बॉलीवुड से मिट गया इन स्टार्स का नाम। एक वक्त था जब बॉलीवुड पर करते थे राज। दोस्तों, आज की वीडियो में हमें आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे बॉलीवुड के स्टार्स जिनका आज बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक वक्त पे उनका राज चलता था, उनके आगे कोई नहीं टिक पाता था। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है देवानंद का। देवानंद बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे, लेकिन अब इनके खानदान से कोई बॉलीवुड से ताल्लुक नहीं रखता। और एक वक्त था जब लड़कियां देवानंद की दीवानी हुआ करती थी। फिर आते हैं एक्टिंग के शहंशाह दिलीप कुमार। जी हाँ, दिलीप कुमार को आप सभी जानते ही है। दिलीप कुमार ने 80 के दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही उम्दा फिल्में दी है, बहुत ही अच्छा काम किया है, अच्छी अच्छी फिल्में दी है। और उसके बाद वो धीरे धीरे फिल्मों से दूर होते चले गए और आज उनकी फैमिली से, उनके परिवार से कोई भी फिल्मों में काम नहीं करता है और नहीं ताल्लुक रखता है। अब बात करते हैं गुरुदत्त की। गुरुदत्त ने बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में जगह बना ली थी और उतनी ही जल्दी से वो भुला भी दिए गए। आज सिर्फ लोग उनकी फिल्मों की बात करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लेते। अब बात करते हैं मनोज कुमार की। मनोज कुमार को कौन नहीं जानता। देशभक्ति की फिल्मों के लिए मशहूर एक्टर मनोज कुमार। मनोज कुमार ने अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन उनके परिवार से उनके बेटे उनके जितनी नाम नहीं कमा पाए, फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं बना पाए और जिनके बाद भी ये परिवार भी लोगों द्वारा बुला दिए गए हैं। अब बात करते हैं प्राण की। प्राण वो एक्टर थे जो एक समय में हीरो से ज़्यादा फीस लेने वाले विलन थे। वो अपनी फिल्मों में हीरो से ज़्यादा फीस लेते थे, लेकिन आज लोग उन्हें भूल चुके हैं। अब पुरानी फिल्मों में लोग उन्हें देखते हैं, आज कोई उनकी बात भी नहीं करते और ना ही उनकी परिवार से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है। अब बात करते हैं राजकुमार की। राजकुमार को कौन नहीं जानता। उनकी डायलॉग डिलीवरी से लोगों की दिलों में जगह बनाई थी। राजकुमार के डायलॉग आज भी लोग शॉर्ट वीडियो के जरिए या रील्स के जरिए आप देखते होंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे डायलॉग थे और वो अपनी आवाज़ और डायलॉग्स के जरिए लोगों के दिलों पर राज करते थे। लेकिन उसके बाद उनके परिवार, उनके बच्चे और बेटी भी फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाया, लेकिन वो इतने सक्सेस नहीं हो पाए और धीरे धीरे वो भी फिल्मों से दूर होते चले गए। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार पुराने ज़माने में अपनी फिल्मों के लिए मशहूर थे, लेकिन आज भी उनके परिवार से कोई भी फिल्मों में काम नहीं करता है और ना ही उनको लोग याद करते हैं। शम्मी कपूर। एक वक्त डांसिंग के लिए मशहूर शम्मी कपूर, आज उनके परिवार से उनके बेटे या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं, वो भी बुला दिए गए हैं। फिर बात करते हैं शशि कपूर की। जी हाँ, वही शशि कपूर जिन्होंने आपने जिनका वो डायलॉग है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, तो वो कहते हैं कि मेरे पास माँ है। जी हाँ, वही शशि कपूर जिनके डायलॉग आपने सुने होंगे, और वही शशि कपूर आज फिल्मों में उनका परिवार भी कोई भी काम नहीं करता है और एक ज़माने में अपने वक्त में वो हैंडसम एक्टर में से एक थे और उनके बच्चे भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एक्टर्स थे जो अपने वक्त में बॉलीवुड में एक तरफा राज करते थे। लोग सिर्फ उनके नाम से ही उनकी फिल्में देखते थे, लेकिन आज उनका परिवार बिल्कुल फिल्मों से अलग हो गया है। कोई उनका नाम नहीं लेता है, देखते हैं तो बस उनको पुरानी फिल्मों के जरिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।